नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता के जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के सिर पर छाए चिंताओं के बादल छटने की बजाय और गहराते जा रहे हैं। अब किसान खाद की किल्लत और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं। घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगने के बावजूद उन्हें खाद नसीब नहीं हो पा रही है, क्योंकि यूरिया और डीएपी की डिमांड बढ़ने के साथ ही उसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर अब सूबे में सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। और इसी सिलसिले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने खाद संकट को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और प्रदेश में खाद की किल्लत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, दिग्गी ने कहा है कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग और नकली खाद के मामले में लगातार बीजेपी के जो लोग हैं उनकी संलिप्तता सामने आ रही है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी को किसान विरोधी पार्टी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंह को सबसे बड़ा किसान विरोधी नेता करार दे दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा भी किया है कि प्रदेश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। कांग्रेस अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर साए सरकार को अब घेरने वाली अब कांग्रेस खुद सवालों के घेरे में है। और सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों में एनएसयूआई नेता सीके चौधरी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में आज चर्चा कटघरे में कांग्रेस के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध समेत अन्य मुद्दों को लेकर साए सरकार के खिलाफ न्याय यात्रा निकालने वाली कांग्रेस खुद कटघरे में है। जी हां, सूरजपुर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एनएसयूआई नेता सीके चौधरी भी है। वहीं आरोपियों के साथ कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का फोटो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। यहां तक कि कांग्रेस को अपराधियों की पार्टी करार दे रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सूरजपुर हत्याकांड पर सियासत, कांग्रेस की बड़ी आफत। जी हां, सूरजपुर जिले में दोहरे हत्याकांड को लेकर सियासी पारा गरमाते नजर आ रहा है। पकड़े गए आरोपियों में एनएसयूआई नेता सीके चौधरी का नाम सामने आने के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अब सोशल मीडिया में पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोपी कुलदीप साहू और सीके चौधरी की फोटो को भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के साथ एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खूब जमेगा रंग जब जेल में बैठेंगे तीन यार, होंगे हर अपराधी जेल में, जीरो टॉलरेंस है विष्णु सरकार। वहीं दूसरी वीडियो पोस्ट में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ही कुल खाती है। कांग्रेस की तथाकथित न्याय यात्रा में शामिल होने वाले बड़ भैया, छुट भैया कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरह तरह के अपराध में संलिप्तता समय समय पर जग जाहिर होती रही है। सूरजपुर डबल मर्डर केस में चंद्रकांत चौधरी की गिरफ्तारी साबित करती है कि कांग्रेसी आदतन अपराधी हैं, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में अपराधियों को ही जगह दी जाती है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एनएसयूआई के रूप में ये अपराधी काम किया है, लेकिन फोटो होने से ये कहना कठिन है, क्योंकि कोई भी आजकल फोटो खिंचा लेता है कहीं भी, तो केवल फोटो के आधार पर किसी के संबंधों के बारे में कहना उचित भी नहीं और मैं नहीं। उधर बीजेपी के पोस्टर पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगड़ ने कहा कि अपराधी की कोई जाति और पार्टी नहीं होती, किसी भी अपराधी की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, इसलिए अपनी नाकामी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। ये अलग अलग घटनाओं की अलग अलग है। बलौदा बाजार की घटना पूर्णतः राजनीतिक घटना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे, किंतु देवेंद्र यादव जो ने वो मीटिंग में थे, ने उनको ऐसा भाषण दिया, उनको राजनीतिक कारणों से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये सब जानते हैं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, लोग जानते हैं कि ये राजनीतिक द्वेषतावश कार्रवाई हुई है। दूसरी घटना जो भी कोई भी घटना हो, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में शासन में है, उस शासन की जिम्मेवारी होती है कि
प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक तरीके से बरकरार रखे। बहरहाल सूरजपुर जिले में हुए दर्दनाक और जघन्य हत्याकांड को लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। अब सोशल मीडिया इस जंग का अखाड़ा बना हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक जारी रहता है और सूरजपुर समेत प्रदेश भर में कब तक शांति स्थापित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान निशिकांत पांडे जी हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, और के शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों लोगों का ही स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं जाऊंगा। निशिकांत पांडे जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से कांग्रेस पे आरोप बीजेपी लगा रही है या फिर जो भी संलिप्तता नजर आ रही है या फिर जो भी मामले सामने आए हैं इस पूरे साक्ष्य को लेकर, इसमें आखिर बीजेपी क्यों इस एंगल से देख रही है कि इसमें कांग्रेस के नेता शामिल हैं या कांग्रेस के नेताओं का हाथ है या पूरी कांग्रेस अपराधियों से भरी हुई है, इस प्रकार की बयानबाजी और सोशल मीडिया पर यह सब कुछ क्यों चल रहा है? दीपक जी, आपको केके श्रीवास्तव जी को और केके शर्मा जी को संध्या जोहार जी। देखिए, वास्तविकता तो यही है कि जो ये सूरजपुर का कांड हुआ है उसमें NSUI के पदाधिकारी सम्मिलित पाए गए हैं। विषय ये है कि इसको हम उठा जो रहे हैं, इनकी नियुक्ति पे वहां की जिला अध्यक्षा ने मोहन मरकाम, उस समय तत्कालीन PCC चीफ थे, उनको चिट्ठी लिखी थी कि यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको नियुक्ति देने से पार्टी का भी समाज का भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों से कांग्रेस पार्टी को दूरी रखनी चाहिए। लेकिन क्या कारण था कांग्रेस पार्टी ने उसको कंटिन्यू किया? सर्वप्रथम दीपक जी, इतना निर्मम हत्या, बिल्कुल सही, हृदय विदारक, मतलब कोई ऐसा ही अपराधी कर सकता है, मतलब किसी की भी बच्ची है, लेकिन ऐसी घटना को अंजाम देने वालों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी होने की कोशिश कर रही थी कल तक, जब वो कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर ही नहीं है, सदस्य ही नहीं है, तो आज उसको निष्कासन कैसे किया गया? दूसरा, ये सिर्फ एक घटना की बात हम नहीं कर रहे हैं दीपक जी, ऐसे कई घटनाएं हैं जो प्रदेश को विचलित करती है। अगर आप देख सके, एक के श्रीवास्तव जी, 300 करोड़ रुपए का लेन देन फ्रॉड का मामला है, 40 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने के लिए दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का महासचिव रायपुर जिले का, तो ऐसे कई घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर दोषी आते हैं तो फिर सवाल उठना जायज है कि कांग्रेस पार्टी क्या इंट्रोस्पेक्ट कर पा रही है? बिल्कुल, अगर बलौदा बाजार की घटना होती है और उसमें अगर आप अगर उसका विधायक उसमें सम्मिलित पाया जाता है और आरोपी के रूप में जेल में, उसके बाद कांग्रेस पार्टी उसमें न्याय यात्रा निकालती है, तो क्या आप उनको संरक्षित और पोषित करने का कार्य नहीं कर रहे? अपराधी है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन तत्कालीन समय में ही आप उनको प्रमोशन देते हैं, ये भी एक शोचनीय विषय है। तो कांग्रेस पार्टी अगर छत्तीसगढ़ के अशांत प्रदेश को अशांति व्यवस्था फैलाने का प्रयास कर रही है, उनके कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होते हैं, तो स्पष्ट रूप से सवाल उठेगा। प्रदेश में हमारी सरकार है और कोई भी अपराधी, पहला तो अपराध ना हो इसकी पूरी कोशिश हमारी रहती है, लेकिन अगर अपराध हुआ है तो पाताल से भी ढूंढ के उस अपराधी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसे घटनाएं दिल दहलाने वाली है। नहीं, मतलब हृदय रोता है कि ऐसा कोई कांग्रेस मतलब भी कह रही है कि जो भी आरोपी है, जिस पे आरोप लग रहा है उस पर आरोप सिद्ध होते हैं तो बिल्कुल आप सजा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जिस तरह से जो सदस्य था उनका और उसका बैकग्राउंड क्राइम वाला था तो नहीं लेना चाहिए था, पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए था, बड़ी अच्छी पहल है और बड़ी अच्छी शुरुआत की आपने, मैं समझता हूं। लेकिन अभी हाल ही में आपने करीब करीब करोड़ों सदस्य बनाए हैं बीजेपी में, अभी रिसेंटली आपका अभियान समाप्त हुआ है और सक्रिय सदस्य वाला अभियान चाहे शुरुआत हुई है उसकी, कितने सदस्यों का जो अभी बनाए गए हैं उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आपने कराया है, या फिर वर्तमान में कितने ऐसे कार्यकर्ता या नेता हैं जिनका वेरिफिकेशन आप करा चुके हैं, उसके बाद वो पार्टी में अच्छे पदों पर हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूं, ऐसा होना चाहिए। देखिए दीपक जी, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं एक अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता हूं इसलिए स्पष्ट रूप से बात रखता हूं जी। सदस्य होना अलग चीज है, पदाधिकारी जब आप नियुक्त करते हैं वो भी जिले के लेवल पे,
प्रदेश के लेवल पे, तो आपको उसका पूरा बैकग्राउंड, अगर आपको जानकारी नहीं और आपका कोई जानकारी दे रहा है उसको भी नजरअंदाज करके अगर आप दो साल तक बैठे हैं और आज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अमित श्रीवास्तव जी काफी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अगर दो साल तक आप बैठाए रखे और अभी उस पर कार्रवाई कर रहे, क्या यह कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी? आपका जिला अध्यक्ष मेन बॉडी का जब कहता है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी सो रही है, तो ये चिंता का विषय है। और रही बात हमारी, तो सदस्यता बना रहे हैं, उनमें सारे डिटेल लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपराधिक नहीं आ रहे। लेकिन अगर कोई है इस कैटेगरी का, मैं प्रमुखता से बात कर रहा हूं दीपक जी, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का है तो हम उसको न संरक्षित करेंगे न पोषित करेंगे, तत्काल अगर कोई घटना में सम्मिलित होता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मैं ऐसा मांग करता हूं। अगर किसी भी प्रकरण में हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी नेता सम्मिलित हो, कितने ऐसे पूर्व विधायक हैं पूरे बीजेपी में, पूरे देश की पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस जो भी पार्टी है मैं सबकी बात कर रहा हूं, वर्तमान में ऐसे कितने या पूर्व ऐसे कितने विधायक और सांसद हैं जिन पर अभी भी, जो सांसद या विधायक है जिन पर केस दर्ज नहीं है, एक नहीं पांच पांच आठ आठ, एक आध नहीं, मैं तो चूंकि जब भी आपके चुनाव होते हैं तो आजकल वो चूंकि चुनाव आयोग ने बता दिया है कि आप मीडिया में और पत्रों में निकालिए, तो जब मैं पढ़ता हूं उनके बारे में तो किसी में पांच और छह से नीचे कम दर्ज नहीं होते हो। वो जीतता है चुनाव, मंत्री भी बनता है, विधायक भी बनता है, सब कुछ होता है। अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो तो जिला अध्यक्ष या फिर एक छोटा सा कोई अगर पदाधिकारी ले लो, यहां तो विधायक और बैठे हुए हैं, सांसद बने बैठे हुए हैं, मंत्री बने बैठे हुए हैं, पूरे देश में अगर निकाला जाए आंकड़ा 4000 के तकरीबन कुछ विधायक हैं, उसमें से बताया जा रहा 3500 पे ये हालत है, जिसपे कुछ गंभीर क्राइम भी उनमें से बहुत बड़े बड़े, फिर और जी, और एक चीज और, जिस तरह से फोटो का आपने जिक्र किया, फोटो वोटो का भी विवाद कुछ उठ रहा था विधायक जी के साथ, देवेंद्र जी के साथ, ऐसे कितने सर क्राइम हुए जिसमें आपकी बीजेपी पार्टी भी, यहां तक अमित शाह जी के साथ भी उन लोगों ने फोटो खिंचाए, बाद में वो क्राइम प्रवृत्ति के निकले, उन पे केस चले, तो उसमें अमित शाह जी की गलती नहीं है। कोई आके अगर फोटो खिंचा लेता है या कार्यकर्ता के साथ आप फोटो खिंचाते हैं या फिर चलते फिरते कोई आदमी एक फोटो लेना चाहे आप उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, तो ये भी एक क्या कहा जाए, इसमें संलिप्तता कैसे मानी जा सकती है? अक्षर साहब की बात से सहमत हूं दीपक जी कि किसी के साथ फोटो होना अपराधी होने का प्रमाण नहीं है या उसका बैकग्राउंड जानने का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह संयोग है या प्रयोग है कि जो विधायक जेल में है दंगे के आरोप में उसी के साथ उसकी फोटो होने, यह संयोग है या प्रयोग है? दूसरा, आपने कहा कि विधायक या सांसद पे आपराधिक जांच चल रही है या उनपे आरोप लगे हुए हैं। सामाजिक जीवन में रहते हुए कई तरह के सामाजिक कार्यों में, आंदोलन में, संघर्ष में, आप पे अगर आंदोलन हुआ है, आपने संघर्ष किया, आप पे कोई एफआईआर हुई है, अलग विषय है। आपराधिक प्रवृत्ति का कोई एफआईआर हुआ है और वो उसमें ट्रायल में है, जरूर उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिना पार्टी के, बिना धर्म के, बिना जाति के। हम स्पष्ट मानते हैं किसी के साथ फोटो होना ये मतलब उसका प्रमाण नहीं है कि वो उसको जानता ही हो। बीजेपी के एक विधायक थे कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश में, उनका कारनामा सर याद है आपको? वो तो विधायक थे, वर्तमान विधायक थे उस वक्त जब उन्होंने वो कांड किया। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है, वो भी बड़ा भीभत्स कांड था। बिल्कुल बिल्कुल याद है। अब ऐसे पूछ करवाओ, अब मैं कहूं, मैं कहूं या कोई और कहे कि पूरी बीजेपी गलत है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप मानेंगे क्या? मैं भी नहीं कहता ये कि पूरी कांग्रेस पार्टी गलत है, मैं भी नहीं कहता पूरी कांग्रेस पार्टी गलत है। अमित श्रीवास्तव जी हमारे मित्र बैठे हैं, बड़े भाई, मैं कभी नहीं कह सकता ये बात। नहीं, खबर है इस प्रकार की, ये है कि अगर आपको इसकी पूर्व सूचना नहीं, दीपक जी आपको इसकी पूर्व सूचना दी गई है, उसके बाद भी उसको आपने पद पे बैठाए रखा है, तो ये क्या कहलाता है? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल आपकी बात सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। सवाल ये है कि आपने उसको क्यों पद पे बैठा रखा? ठीक, अमित जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, कि जब पता था या फिर ऐसी चिट्ठी लिखी गई थी तो उस पर ध्यान देना चाहिए था, और ये आवश्यकता है। अगर अभी भी अगर इन पार्टियां जो हैं ये वास्तविकता से अपनी आंखें खोलती हैं, सिर्फ सदस्य बनाने पर फोकस ना करें, वो सदस्य का करैक्टर क्या है इस पर फोकस करें। लगातार हम देख रहे हैं आप सरकारी कर्मचारी, प्यून भी अगर कोई सरकारी बनता है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट पूरा क्राइम वेरिफिकेशन कराते हैं कि क्या है क्या नहीं, पासपोर्ट बनता है तब पूरा होता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि आप लोग पूरा देश चलाते हो, आप लोग पूरा राज्य चलाते हो, उसके बावजूद भी अगर ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर आप जानबूझ के शामिल कर रहे हो या धोखे से शामिल हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आप लोगों की मानसिकता पर, सभी पार्टियों के लिए मैं बोल रहा हूं, पर्टिकुलर आपके लिए नहीं। दीपक जी आपको साधुवाद, बहुत से ऐसे आपने प्रश्न ज्वलन प्रश्न किए जो कम पत्रकार पूछते हैं, इसलिए मैं आपको आपको साधुवाद देता हूं। दूसरा, मेरे अभिन्न मित्र पांडे जी ने अभी बहुत सारे प्रश्न उठाए,
और लगभग 7 मिनट उन्होंने बोला और मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं टोका और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि मेरे अभिन्न मित्र जो है विद्वान प्रवक्ता है वो भी बीच में नहीं टोका टाकी करेंगे। देखिए कहते हैं ना झूठ फरेब और धोखा, यही तो है बीजेपी का लेखा जोखा। और कैसे करे भरोसा, तेरे तो स्वभाव में है धोखा। लगातार तकरीर वो कर रहे थे 7 मिनट तक और कहते हैं ना कि बहुत लंबी तकरीर वो कर रहे थे अपराधियों पर, कांग्रेसियों पर और हमारे पूरे सिस्टम पर। तो मैं लगातार सारे सिलेवार उनके जवाब देता हूं कि उन कहते हैं ना दीपक जी कि जिनको शायरी कहने का अदब नहीं आजकल वो गजल गा रहे हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधी निरंकुश होके घूम रहे हैं, पांडे जी ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पता नहीं इनके सत्ता में ग्रहण करते ही, भाजपा सत्ता में आते ही किसकी हमारे प्रदेश को नजर लग गई। सबसे शांत प्रदेश जो छत्तीसगढ़ कहलाता था वो कैसे जंगल राज और अपराधगढ़ की ओर बढ़ रहा है, हमने सब देखा है। नए किस्म के यहाँ पर अपराध हो रहे हैं और अपराधियों को क्यों इतनी आजादी दी जा रही है, प्रशासन शासन इतना निष्क्रिय क्यों है। पहली बार आप देखिए कि छत्तीसगढ़ इनके कार्यकाल में जीरम हुआ था, इनके कार्यकाल में क्या बोलते हैं बलौदा बाजार कांड हुआ, इनके कार्यकाल में कवर्धा कांड हुआ लगातार। मतलब कहीं ना कहीं अपराधी निर्भीक होकर अपराध कर रहे हैं और इनका प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल्यूर है। और बेहद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं कि जो घटना सूरजपुर में हुई है, अपराधी ना तो कोई जात का होता है ना कोई पार्टी का होता है, अपराधी अपराधी होता है। और हमारा ये मानना है कि कोई निर्दोष को आप फंसाए मत और कोई अपराधी बचे मत, यही कांग्रेस की सोच है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सत्ता के नशे में भाजपा इतना चूर हो गए हैं कि सरकार पूरी मस्त है, सरकार सो रही है, जनता त्रस्त है, वो रो रही है। और अब छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वयं देखा है दीपक जी कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि यहाँ पर अगर पुलिस परिवार और यहाँ के कर्मचारी अपने आप को असुरक्षित महसूस करें और अगर उनका ही परिवार, पुलिस वाले जो कानून के रखवाले हैं, अगर उनका ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश पे कौन सुरक्षित रहेगा इनके कार्यकाल में, ये भी एक चर्चा का विषय है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमारा ये मानना है कि जब अपराध करने के बाद या उस अपराधी को 2 दिन वहां पर क्यों घूमने दिया गया, क्यों इनका इंटेलिजेंस इतना फेलियर था, क्यों उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं की, ये सारे प्रश्न मुझे लगता है कि भाजपा के नेता से पूछना चाहिए। अमित जी, तीसरा प्रश्न, इसमें से कोई भी अपराधी कांग्रेस से ताल्लुक रखता था, आप मुद्दे पे नहीं आ रहे, आप बार बार घुमा रहे हैं बात को थोड़ा सा। नहीं, आपकी बात में सहमत हूं कि हाँ, छत्तीसगढ़ में ठीक अपराध बढ़ रहा है या फिर पुलिस का अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह आपकी सरकार थी, आप ही के नेता बैठते थे जब ऐसा कोई क्राइम होता था, मैं उस वक्त डिबेट कर रहा होता था, तब मैं उनसे ये पूछता तो ये कहते थे कि क्राइम को किसके दिमाग में क्या चल रहा नहीं जान सकते आप, लेकिन क्राइम की बात पुलिस अगर उसे ना पकड़ती हो, केस अगर ना दर्ज करती हो, तब आप ये कह सकते हैं। तो यही चीज बीजेपी भी कह रही है, क्राइम ठीक हो रहा है, हम अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले से भी ना हो, लेकिन अगर हो गया है तो उस पर वो क्या कर सकते हैं, अपराधी को पकड़ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं इस प्रकार से दोबारा ना हो। दीपक जी, मैं डिबेट को विषयांतर नहीं करना चाहता था जी, लेकिन उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा तो बताना पड़ेगा ना। आपने कुलदीप सेंगर की तो आपने खुद अभी आपने उदाहरण, मैंने बिल्कुल पूछा उनसे सवाल, मैं वही, इसीलिए तो मैंने आपको साधुवाद दिया। मैं उसी डिबेट में आ रहा था कि अगर कोई घटना हुई है और अपराधी, मैंने कहा ना अपराधी की कोई जात नहीं होती, अगर वो समाज के लिए घातक है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमारी सोच है। लेकिन मैंने फिर आपके माध्यम से बेटे को टिकट दे दिया उसको हटा के, जिस प्रकार से इनका एक मंत्री गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई थी उसके ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की। सर, कैसे कार्रवाई नहीं हुई, जेल में है सर अभी, कैसे कार्रवाई नहीं हुई? मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसे उन्हें कहां हटाया गया था, नहीं हटाया गया था, उन्होंने नहीं चढ़ाई थी, उनके बेटे ने चढ़ाई थी तो उन्हें क्यों हटा दिया? मैं वही कह रहा हूँ कि उनके बेटे ने चढ़ाई थी और उनको हटाया भी नहीं गया था, बचाने का प्रयास किया गया था, ये उस पार्टी के लोग हैं। मैं फिर आता हूँ आप सूरजपुर की घटना पे जो आप कह रहे थे, निश्चित तौर पे अगर कोई अपराधी है, किसी ने अपराध किया है, उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी ये कह रहे थे कि विधायकों के साथ फोटो क्यों होती है, अरे सार्वजनिक जीवन में कई लोग आते हैं, मुझे ये ठीक लगा कि पांडे जी ने कहा कि फोटो किसी के साथ भी हो सकती है। पर मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, ठीक है, आपने सब बात कह दी, उसमें से कोई भी आरोपी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी आरोपी किसी भी रूप में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कांग्रेस से जुड़ा हुआ था? देखिए, कल जिस प्रकार का जो जिला अध्यक्ष की गाड़ी पकड़ाई थी और जिस प्रकार से पुलिस का वक्तव्य आया था, इनका स्टेटमेंट आया था, तत्काल एनएसवाई के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है अकाश चौधरी, उन्होंने उसे पदमुक्त कर दिया था। पद पे था वो, शासन की भी कार्रवाई हुई, गाड़ी जिसकी पकड़ाई है वो पद पे था। अच्छा, क्या नाम था उसका? केसी चौधरी। हाँ, चौधरी। अच्छा, हाँ, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, शामिल किया गया है। जी हाँ जी, ठीक है, मतलब बाद में कर दिया गया जैसे ही उनका नाम आया। ठीक है, मतलब कहीं भी जो भी संलिप्त थे भी, तो आपने उन्हें निष्कासित कर दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर था भी कोई अपराधी अपराधी होता, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी। ठीक है, ये बात सही है, अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अगर आपने उसे निकाल दिया, लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार की पुनर्वृत्ति ना हो, इस पर भी अगर ध्यान दे, चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बात बहुत अच्छी लगी दीपक जी, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी को किसी भी मेंबर बनाने से पहले उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। सर, आप लोग नेता लोग कहाँ करने वाले हैं सर? ये तो छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के लिए कहाँ है ये सब? ठीक है, केके सर, बिल्कुल करेंगे, आपकी एडवाइस सर आंखों पे। शुक्रिया शुक्रिया। केके सर, जिस तरह से देखा जाए, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी और कोशिश की गई है कि बड़ा सार्थक नतीजा निकले, एक दूसरे से बहस करने का कोई मुद्दा था नहीं इसमें, लेकिन हाँ, पार्टियों को था या नहीं था वो जांच का विषय है, अगर था भी तो पदभार पद से मुक्त कर दिया और आगे से ध्यान रखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसे कई बार ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पार्टियों से बहुत सारे अपराधी, हम लोगों के बीच की मानसिकता के होते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, किसी भी मानसिकता है, किसी की विचारधारा फॉलो कर रहा होता है, तो आप उस विचारधारा को गलत नहीं बोल सकते, उस पार्टी को गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि पार्टियां आजकल बिल्कुल नहीं दे रही है। बस जो भी मिले सदस्य बना लो, चाहे मिस्ड कॉल करके बनाओ, चाहे फॉर्म भरवा के बनाओ, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि कोई भी नेता हो, विधायक हो, पदाधिकारी हो, एटलीस्ट इतना देखा जाए कि किसी महिला के प्रति कोई बड़ा अपराध उसके पास ना हो, और कम से कम क्राइम या किसी की हत्या या लूट पड़ताल या फिर किसी अपहरण का एटलीस्ट इतने केस तो दर्ज किसी पे ना हो। हाँ, किसी आंदोलन में कुछ केस लग गए हो, बात अलग है। दीपक जी, आपकी बात से ही शुरू करता हूं कि जो केस का मामला है, यदि कोई तात्कालिक रूप से कहीं घटनाक्रम हुआ, सड़क में मारपीट हो गई और मर्डर हो गया, ये अलग कारण हो सकता है, परिस्थिति जन्य जिसको वह, ये दो दो दर्जन मामले उसके खिलाफ है, कुलदीप के खिलाफ। वो कबाड़ी का काम करता है और पदाधिकारी है, क्या वो किसी कॉलेज में अध्ययनरत है? जो उम्र की सीमा है एनएसयूआई का कहा जाता है उसके अंतर्गत आता है, अध्यक्ष की भी वही बात आ रही है, चौधरी जी की और इनकी भी वही बात आ रही है। इसके साथ ही राजनीतिक संरक्षण की पूरी बात तो आपने की, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण होता है कि नहीं होता है? आप उसके सदस्य बना रहे हैं तो सदस्य की आपने जांच की है क्या? जैसे भाजपा एक बड़ा परिवार बना रहे, बड़े परिवार की जिम्मेदारी किसकी होगी इनकी? आखिर वही बात आएगा कि भाजपा, अब आपने आगे एक कदम और बात की, विधायक सांसद टिकट आप किसको दे रहे हैं, क्यों अपराधी को टिकट दे रहे हैं? अब टिकट दे भी दिए, उसके बाद राज्य सरकार में जब आपकी सत्ता आती है तो आप केस वापस लेते। कल छत्तीसगढ़ में डिसीजन हुआ, कितने मामले किस प्रकृति के हैं, अपराधी कितने राजनीतिक से निकले। अब देवेंद्र यादव मामला क्या राजनीतिक है? कल कांग्रेस की सरकार आएगी, क्या क्या है, केस वापस हो जाएगा? तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, न्यायालय को भी मुझे लगता है कि एक गंभीरता से इस बारे में विचार करते होंगे कि इस प्रकार की, इस प्रवृत्ति के लोगों को केस वापस लेना है नहीं लेना, ये तमाम। दूसरी चीज है राजनीतिक संरक्षण के साथ पुलिस संरक्षण। क्या कबाड़ी जो कुलदीप है उसको पुलिस संरक्षण था? 200 मीटर दूरी में है, क्यों? क्योंकि जिला बदर होने के बाद भी वापस आके वहीं पे रहे, एक पुलिस वाले पर हमला करने की जरूरत करता है, फिर दूसरे को छत से फेंकने की बात आती है, फिर ये घटना हो जाता है। तो पुलिस को भी इस प्रकार से अपराधियों को, क्या उनके परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटना करें? तीसरी चीज है, जो पुलिस का परिवार घर में है उनकी सुरक्षा पर सवाल है। रात्रिकालीन ड्यूटी में जब पुलिस जवान जाता है तो उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर भी एक चिंता है, और जिस निर्ममता से हत्या की गई है, ये सातिराना अंदाज कहा जा सकता है, छोटी सी बच्ची को जिस तरह से इतने, मतलब दाग उसके पर, शरीर पर इतने चोट के निशान है कहा जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ में पहली इस ढंग से निर्ममता पूर्वक है, और हत्या के बाद कार से लेके जाना, फिर आप झारखंड भी चले जाते हो, फिर वापस आते हो, तमाम प्रकार के घटनाक्रम में पुलिस संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण के साथ परिवार की सुरक्षा, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उस पर क्राइम प्रिवेंशन की बात, जो आप कह रहे हैं कि बाद में रिपोर्ट दर्ज करना, कलेक्टर एसपी को हटाना, तमाम प्रकार की क्राइम प्रिवेंशन के लिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में काम की आवश्यकता है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए। जी बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, ये आदतन अपराधी नहीं, ये नरपिशाच है,
जिस तरह से ये जघन्य जो अपराध इन्होंने किया है, जो ये भयानक तस्वीरें जो थी, वो वाकई वो नरपिशाच से कम कोई और व्यक्ति मानसिकता का कर नहीं सकता है। ये मानव कहना है ना, शायद इनके लिए या मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं गाली देने जैसा होगा। आप एक शब्द कुछ कहना चाह रहे थे निशिकांत जी, वो आप शब्द पूरा कर लीजिए, उसके बाद चूंकि समय समाप्ति की ओर है। देखिए, हमारे बड़े भाई ने बहुत सारी बातें गिनाई, मैं तीन विषय रखना चाहता हूँ। जब अश्लील सीडी में जेल गए व्यक्ति और बेल पे आए व्यक्ति को आप सीएम बनाते हैं, नेशनल हेराल्ड में आपका सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता 5,000 करोड़ पे बेल पे है, अगर के शर्मा जी को ध्यान होगा तो इंदिरा जी को जेल से छुड़ाने के लिए एक प्लेन हाईजेक किया जाता है और बाद में वो दोनों सम्मानित विधायक बनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अगर वो पार्टी के प्रवक्ता और के रूप में अगर अमित श्रीवास्तव जी बात रखते हैं तो मुझे लगता है कि पहले आपको आईना स्वयं देखना चाहिए। मैं फिर स्पष्ट करता हूं कि कोई पार्टी की देख के, जाति को देख के, धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अन्य संरक्षण और पोषण होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, लेकिन जब आप उसको पोषित करना शुरू करते हैं, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कौन व्यक्ति है? पूर्व मुख्यमंत्री का सबसे करीबी व्यक्ति, 300 करोड़ रुपए का लेन देन, प्रदेश को अपमानित करने का काम लगातार, 40 लाख रुपए आप उठाते हो मेडिकल में एडमिशन कराने के लिए, ये धांधली नहीं है तो क्या है? और आप सभी को नकार देंगे तो फिर तो कोई बात समय समय चूंकि समाप्ति हो रहा है, इसलिए मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा। 5 सेकंड जी जी क्षमा करेगा, जो समय हो चुका है अमित जी, निशिकांत जी आपका, अमित जी आपका, के शर्मा जी आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा की सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर गर्माती सियासत की, जहां पर आरोपियों में एनएसयूआई नेता का नाम सामने आने के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है और तो बैकफुट पर आई कांग्रेस ने बचाव की मुद्रा में। खैर, ये बात तो रही छत्तीसगढ़ की, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर कोहराम मचा हुआ है।